मौशी बाका बिहार, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे पापा को किडनी का प्रॉब्लम था। फर्स्ट पापा का नाम घनश्याम चौधरी है, मैं उनकी बेटी हूँ। तो उसके बाद मुझे पता चला यूट्यूब से बी के आरोग्यम के बारे में, तो फिर मैं यहाँ पे पता करते कॉल की, फिर पता की, फिर मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम 12 फरवरी को आई थी पापा को लेके। उसके बाद यहाँ पे तभी मेरा क्रिएटिन था 2.5। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में इनको रखा गया और इनको दवाई दिया गया और उस टाइप से डाइट चार्ट वगैरह सब कुछ समझाया गया, जिससे एक महीने के बाद दोबारा मैं आई तो 1.96 हुआ। तो इनसे तो कंट्रोल हो गया और अभी तक इनका डायलिसिस रुका हुआ है। हाँ, मैं यहाँ के इलाज से संतुष्ट हूँ। हम ये कहना चाहेंगे कि आगे जो किडनी फेल्योर पेशेंट है, मैं उसे यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे जो भी डॉक्टर कहते हैं उनके अनुसार चलने पे कोई भी पेशेंट वो ठीक हो सकता है। जहाँ तक मेरे अभी तक का अनुभव में मुझे यही पता चला कि अगर उनके हिसाब से चले जाए तो उनका डायलिसिस रुक सकता है और फिर आगे उनका सल्वेशन तो उनके। यहाँ के बारे में हम यही राय देना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आए, यहाँ पे मिले डॉक्टर से और फिर उनके उनसे जानकारी ले और अपनी दवाई चलाएं, उनसे उनको फ़ायदा होगा जैसे कि मेरे पापा को इनसे लाभ मिला था। मेरा नाम कन्हैयालाल यादव है, गाजीपुर का रहने वाला हूँ। पता लगा हम यहाँ का बीके आयुर्वेदिक और यहाँ 15 दिन के इलाज में 1.5-2 पॉइंट किडनी लाइन घट गया। हाँ, यहाँ के इलाज से संतुष्ट है। आपकी एज क्या है? हमारी एज 38 साल है। आपके लोग को यही सलाह देना चाहेंगे, भटक रहे हैं तो आयुर्वेद का इलाज करें तो सबसे बढ़िया है। पहले डायलिसिस होती थी? हाँ, डायलिसिस होती थी, महीने में एक बार। कितनी टोटल हो चुकी थी? टोटल डायलिसिस हो गई है 24। और यहाँ आरोग्यम में आने के बाद से कितनी बार हुआ? आरोग्यम में आने के बाद अभी कोई डायलिसिस नहीं हुआ, बिना डायलिसिस के किडनी लाइन घटा है, बिल्कुल संतुष्ट है। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और ये मेरी वाइफ है शोभा सिंह। मेरा घर सासाराम बिहार है। मैं यहाँ पिछले एक साल से दवा करा रहा हूँ। मेरा क्रिएटिनिन स्टार्टिंग में 5.5 था जो घट के 3.9 आया था, फिर कुछ कारण से थोड़ा लापरवाही हुआ जिसके चलते थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन अभी 5 पर कांस्टेंट है। पिछले एक साल से दवा मेंटेन चल रहा है। हाँ, हम यहाँ की इलाज से संतुष्ट हैं। हम बाकी लोग को राय यही देंगे कि जो अंग्रेजी दवा जो भी करा रहे हैं उनसे आग्रह है कि अंग्रेजी दवा मत खाएं और यहाँ आकर के आयुर्वेदिक दवा का इलाज कराएं, जिससे कि उनको यथासंभव फायदा ही हो। मेरा अनुभव यहाँ ठीक रहा है, सारे डॉक्टर कोऑपरेटिव हैं और बीके सर खासकर, उन्होंने तो दिल ही जीत लिया, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और मैं चाहूँगा कि उनके इलाज के दौरान ही सब पेशेंट सही रहेंगे।